निर्भया कांड के आरोपियों को फांसी देने के लिए खंडवा के ओमकारेश्वर का युवक जल्लाद बनने को तैयार है इसके लिए युवक ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से गुहार लगाई और कहा कि वह यह काम बिना किसी शुल्क के करने को तैयार है वह इस काम के लिए सरकारी खाते में अपने पास से पाँच लाख रुपए भी जमा करेगा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे इस युवक का नाम प्रदीप सिंह ठाकुर है जो रिटायर्ड फौजी होते हुए और समाज सेवी हैं खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में निवासरत प्रदीप का कहना है कि उसने जब समाचार पत्र में खबर पड़ी कि निर्भया कांड के आरोपियों को सिर्फ इस वजह से फांसी नहीं दी जा रही है कि जल्लाद नहीं है इससे वह आत्मग्लानी से भर गए और उन्होंने आज सुबह यह वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया उसके बाद उन्होंने इंदौर के जाने माने एडवोकेट आनंद मोहन से चर्चा कर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिखा जिसे वकील के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र भेजेंगे प्रदीप का कहना है कि सरकारी जल्लाद की कमी की वजह से आरोपियों को फांसी नहीं दी जा रही है आरोपियों को फांसी हो इसलिए वह जल्लाद बनने को तैयार है जय साथियों समाचार पत्रों के द्वारा मुझे ज्ञात हुआ है कि तिहाड़ जेल में बंद निर्वाह गैंग रैप के दोषियों को फांसी दी जानी है और वहाँ पर कोई जल्लाद नहीं है मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से आग्रह करता हूँ कि मुझे जल्लाद नियुक्त किया जाए और मैं यह सेवा निःशुल्क करूँगा और भारत सरकार के खाते में इस काम के लिए पाँच लाख रुपए जमा भी करूंगा। जय श्री राम शांति हो ठाकुर प्रदीप सिंह लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल करें लाइक शेयर सब्सक्राइब